देखिए ये कहानी विवाह शिरवाड़कर की थी, नट सम्राट मराठी नाटक था पहले, बाद में मैंने उसका आज से 30 साल पहले गुजराती नाटक किया था, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया, मराठी भी नाटक हुआ, मराठी भी यानी नट सम्राट। ये कहानी सिर्फ विवाह शिरवाड़कर भी रिलेटेड नहीं है उसके साथ, विवाह शिरवाड़कर जी ने भी कहा कि मैंने ये शेक्सपियर के दो नाटक मिक्स किए हैं, शेक्सपियर के दो नाटक, यानी जो भी हो लेकिन इतना अद्भुत मिश्रण हुआ है ये नट सम्राट का कि कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, कई भाषाओं में। पहली बात ये है कि ये जो फिल्म मराठी में हुई और गुजराती में फर्क क्या है, गुजराती और मराठी क्योंकि फर्क बहुत कम है, एक बिटवीन द लाइन्स है, क्यों कि जो कहानी है वो तो वही की वही है, कहानी एक ही है, लेकिन जो उसका मेकिंग है, परफॉर्मेंस है, गुजराती के दो दिग्गज ये मनोज जोशी और सिद्धार्थ रांदेरिया, कभी मैंने मेरे ख्याल से गुजराती में आप दोनों ने साथ में फिल्म में पहली बार काम कर रहे हैं, तो लोगों को एक रस है कि ये इंटरेस्ट है कि ये दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे। और ये आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई कहानी, वो परंपरागत कहानी है, उसमें कुछ नया नहीं है, सुनो जो अभिव्यक्ति है वो नहीं है, एक एक्टर के माध्यम से, एक एक्टर के माध्यम से जीवन का फलसफा दिखाया और उसका मेन मीनिंग क्या है वो चार लिटी में मैं आपको बताऊँ कि हाथी को नहीं कहना पड़ता कि तू हाथी बनना, सिंह को नहीं कहना पड़ता कि तू सिंह बनना, वाघ को नहीं कहना पड़ता कि तू वाघ बनना, लेकिन एक आदमी को ही क्यों कहना पड़ता है कि तुम आदमी बनना, ये बड़ी चीज है, आदमी बनने की बात, मानसाई की बात, मानवता की बात, स्वार्थ संबंधों की बात, यानी ये फिल्म ऐसी है कि सिर्फ कानों और आंखों से नहीं दिल तक पहुंचनी चाहिए और पहुंची है, ये मेरा दावा है, ये फिल्म चलेगी, ज़रूर चलेगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि नट सम्राट मराठी का रीमेक नहीं है, नट सम्राट एडेप्टेशन है, गुजराती नट सम्राट मराठी फिल्म का एडेप्टेशन है, इट्स नॉट रीमेक। बहुत सारे लोग साउथ की फिल्मों का रीमेक करते हैं तो हूबहू सीन वैसे ही होता है, कैरेक्टर्स वैसे होते हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि मराठी नट सम्राट और गुजराती नट सम्राट में बहुत बहुत फर्क हो, उसकी सिर्फ आत्मा हमने ली है, प्रवीण भाई ने उसकी पटकथा, उसके जो स्क्रीन प्ले है, जो गुजराती ऑडियंस को जो चाहिए, आप देखेंगे तो गुजराती ऑडियंस बहुत ही आउटस्पोकन है, बाहर घूमना पसंद करती है, उनको रोना धोना पसंद नहीं है, गुजराती ऑडियंस को खुशी चाहिए, होप चाहिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फिल्म को लिखा और उसी हिसाब से हमने इस फिल्म को शूट किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे मराठी में दो दिग्गज कलाकार थे नाना वाडेकर एंड विक्रम गुप्ता, सेम यहाँ पर भी गुजराती के आज दो जो दो सुपरस्टार हैं मनोज भाई और सिद्धार्थ भाई, वो दोनों साथ में आने का मतलब ये बहुत बड़ा मौका है ऑडियंस के लिए भी कि इन दोनों को साथ में पहली बार देखेंगे। गुजराती में आज तक ऐसा हुआ नहीं, मराठी में ऐसा बहुत बार हुआ, हिंदी में बहुत बार हुआ कि दो बड़े सुपरस्टार साथ में आए, बट गुजराती में पहली बार होने जा रहा है और इसके लिए मैं डेफिनेटली मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल सुगन और मेरे मित्र मेरे भाई मनोज जोशी, इन्होंने हाँ बोला कि मैं इस फिल्म में काम करता हूँ। और आप देखेंगे कि मनोज भाई ने जो फिल्म में काम किया है, पहली बार आप मनोज भाई को एक अलग रूप में देखेंगे, तफावत बहुत सारी है इस फिल्म में। तीसरी बड़ी बात हमारे पास है कि दीपिका जी जो रामायण में सीता बनी थी, वो 25 साल बाद इस फिल्म में रीइंट्रोडक्शन हो रहा है उनका, और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो गुजराती ऑडियंस ने भी नहीं देखे कभी, हिंदी में भी नहीं आए, ऐसे कुछ लोकेशंस पर जाकर हमने शूट किया हुआ है। देखिए पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन की बात तो ऐसे है कि जैसे हमने स्क्रिप्ट
रीमेक राइट्स लिए थे, अडेप्टेशन के राइट्स लिए थे, फिर प्रवीण भाई के पास गए, बात की सारी। तो राहुल जी और उनके पिताजी जो है हरीश जी, उन्होंने बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं को है, हमारे यहाँ पे हम जितने भी बैठे उनको। उन्होंने कुछ कास्टिंग में बात की, कुछ किया, सिद्धार्थ भाई का नाम आया, मनोज जी का नाम आया कि ये दो कलाकार जो है, ये दो कलाकार साथ में एक साथ दिखाई देंगे। और आज ये दो कलाकार के ऊपर गुजराती में और कोई कलाकार अभी है नहीं, तो जो दो बेस्ट है वही इस फिल्म के लिए चाहिए थे, इसलिए हमने जो दो बेस्ट है उन्हीं को चुना। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी, मैं नहीं देख पाया राधर, बट उस फिल्म के बारे में काफ़ी सुना है। डेफिनेटली महेश मांजरेकर जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, नाना पाटेकर ने नट सम्राट का रोल किया था, और जिनको मैं पिता तुल्य मानता हूँ और मेरे आदर्श रहे हैं, ऐसे विक्रम गोखले जी का ही रोल, मतलब जो रोल उन्होंने किया है उसी जॉनर का वही रोल रादर मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में। तो दूसरी बात एक की नट सम्राट नाटक मैंने दोनों का देखा है, यशवंत दत्त जी का भी देखा हुआ है और लागू साहब का भी देखा हुआ है, नट सम्राट नाटक मराठी। मैं मराठी थिएटर भी कर चुका हूँ, तो जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि ये किंग लियर और हेमलेट, हेमलेट ये दोनों नाटकों का सार जो है या उसका जो सोल है वो लेकर शिरवाड़कर साहब ने इसे बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत तरीके से, जिसको कहते हैं कि भारतीयता, उसको देने की कोशिश उसमें की। और उसके बाद 30 साल पहले प्रवीण जी ने तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं, 210 नाटक लिखे हैं गुजराती में। तो उन्होंने जब हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया 30 साल पहले बनाया, तब पता नहीं था कि इस पर फिल्म भी बनेगी। तो चूँकि ये आई नट सम्राट फिल्म, और देखो मराठी और गुजराती दोनों भगिनी भाषा है, और आदान प्रदान जो है वो आज से 175 साल पहले से ही आदान प्रदान हो रहा है दोनों भाषाओं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो जैसे संगीत नाटक वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ पारसी रंगभूमि से मराठी में भी, तो गुजराती में भी संगीत नाटक इंट्रोड्यूस हुआ, मामा वरेरकर साहब के प्लेज भी होते थे, कई प्लेस नाटक भी गुजराती भाषा में हुए। तो ये आदान प्रदान वर्षों से हो रहा है। तो मैं इतना कहूँगा कि जिस समय इतने महान कृति को जब फिल्माया जा रहा है, ऐसा विषय जब मेरे पास आया, और इतने दिग्गज कलाकारों का परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तब जाके एक मन पर भी थोड़ा दड़पन रहता है कि इसको कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे। बट करते समय बड़ा आनंद आया जब इस ये भूमिका मेरे पास लेकर आए, तब मैंने कहा ठीक है, जैन भाई के साथ मैं 2-3 फिल्में कर चुका हूँ, और मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ है गुजराती के लिए, तो मैं निश्चित रूप से काम करूँगा, और काम करने का बहुत मज़ा आया, जो भी 12-15 दिन मैंने काम किया। और आप जब पर्दे पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप, मैं ही मेरे काम के लिए क्या बोलूँ, बट निश्चित रूप से आनंद आएगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं, क्योंकि विषय इतना महान है, उसकी लिखावट इतनी महान है, और काम करने वाले कलाकार मेरे जो दिग्गज कलाकार हैं साथ में सारे, जिसके लिए वो रेडी हो जाएं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा दीपिका जी ने? दीपिका जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि चेंजेस क्या क्या हुए, क्या हम फ्रेम टू फ्रेम सेम टू सेम बना रहे क्या? जब मैंने उनको चेंजेस बताए, उनके जो 2-3 सीन जो प्रवीण भाई ने लिखे जो मराठी में नहीं है, जो गुजराती में है, वो जब मैंने उनको सुना है वो बहुत खुश हो गए, बोले ये सीन आप रखेंगे? बोला हाँ ये सीन हम रखेंगे। उसके बाद उन्होंने मराठी फिल्म देखी, फिर मेरा स्क्रीन प्ले जो प्रवीण भाई ने लिखा था वो पूरा स्क्रीन प्ले हमने उनको सुनाया, उसके बाद उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि नहीं मैं ये फिल्म करूँ। आपने ये फिल्म डायरेक्ट करने से पहले खुद नट सम्राट कितनी बार देखी? सर मैंने एक ही बार देखी थी, हाँ फिल्म जब रिलीज हुई थी तब मैंने गोरेगांव में PVR में जाकर देखी थी, एक ही बार देखी थी। उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने एक बार भी वो फिल्म वापस देखी नहीं, क्योंकि मैं उस फिल्म के भाव में नहीं जाना चाह रहा था। वो एक क्लासिक फिल्म है, महेश मांजरेकर जी ने बहुत क्लास फिल्म बनाई, नाना पाटेकर जी ने, विक्रम जी ने, उसको मैं टच नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं है।
बट गुजराती ऑडियंस के लिए एक गुजराती फिल्म मुझे बनानी थी, और नट सम्राट अगर मेरी भी मातृभाषा गुजराती है, अब प्रवीण सर, मनोज भाई, सिद्धार्थ भाई, इन सबके साथ मिलकर अगर मुझे मौका मिल रहा है इस फिल्म में करने का, तो मैंने इस वजह से हाँ बोला कि मैं ये फिल्म करूँ। नहीं, ये इनका बहुत बड़प्पन है, ही इज़ वेरी डोसाइल, बट ही इज़ अ वेरी फाइन टेक्नीशियन, वेरी गुड। वो हमारे साथ डिजिटल पार्टनर है, प्रिंट पार्टनर है इस फिल्म में। उसके बाद ड्रीम वर्ड सोल्यूशन है हमारे साथ डिजिटल पार्टनर। दिव्या भास्कर है हमारे साथ मीडिया पार्टनर। और कौन? पेटीएम है, पेटीएम सोल्यूशंस वाले हैं। शुभकामनाएं जरा ले लेते हैं ये भैया। बहुत अच्छी फिल्म आ रही है नट सम्राट, आप मीडिया पार्टनर हैं, शुभकामनाएं जरूर, क्योंकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पे अभी खड़ी हो रही है। पिछले कुछ सालों से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। नट सम्राट इसमें एक सीमा चिन्ह रूप फिल्म होगी, जो गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि कुछ कॉमेडी फिल्में ही चलती है या ड्रामा वाली ही चलती है, उसको जो जो कहावत है उसको तोड़ने के लिए नट सम्राट मैं मानता हूँ। इसीलिए हम इस साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये एक क्रिएशन है मराठी से लिया हुआ, एक थॉट मराठी से लेकर उसको गुजराती भाषा में बड़ा करना, ये थॉट के ऊपर इन्होंने काम किया है। बहुत ही अद्भुत, प्रवीण भाई से हमारे संबंध बरसों जुने हैं, जयंत भाई ने भी अच्छी फिल्में बहुत सी दी है, तो जरूर से ये फिल्म गुजराती सिनेमा का इतिहास बदलने का काम करेगी। गुजराती फिल्मों का ट्रेंड इस तरह से बदला है कि अब गुजरात को छोड़ के बाकी के स्टेट में भी गुजराती जहाँ रहते हैं वहाँ फिल्में देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर जो संस्थाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों को इनकरेज कर रही है, अच्छा मार्केट बन रहा है गुजराती के लिए। मे बी अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पहली गुजराती नट सम्राट फिल्म है जो ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है, मतलब सेकेंड वीक और थर्ड वीक में कोई कोई फिल्में रिलीज़ हुई है, बट नट सम्राट एक ऐसी फिल्म है जो 30 अगस्त को एक साथ इंडिया में और ओवरसीज में, यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में रिलीज़ हो रही है एक साथ। सर प्रमोशन का अभी जैसे 22 तारीख से हमारा प्रमोशन शुरू हो जाएगा, 22 से लेके 31 तारीख तक हमारा प्रमोशन है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। 22 तारीख को हम एक गुजराती चैनल है कलर्स का, उनके एक सीरियल में हम इंटीग्रेशन करें। 23 तारीख को हम प्रवीण जी को जो सम्मान किया जा रहा है, 201 नाटक उन्होंने किया है, उनके यहाँ हमारा प्रमोशन शुरू होगा। 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम पूरे गुजरात में घूमने वाले हैं। सम्राट फिल्म गुजराती फिल्म की एक सीमा चिन्ह फिल्म, आप ज़रूर देखिए और परिवार के साथ जाइए और थिएटर में जाकर ये फिल्म देखिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी।